अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे और आप सब की तौर से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चाट मसाला, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। घर का तो साफ़ सुथरा ही होता है, आपको पता है भाई, हमें क्या पता वो क्या क्या कुछ इसमें डालते हैं, साफ़ सुथरा करके पीते भी हैं कि नहीं। तो हर चीज़ को मैं साफ़ सुथरे तरीके से आपको सिखाऊँगी। तो देखते हैं इसकी क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 पाव सफ़ेद ज़ीरा। आप चाहें तो अगर आपने ज़्यादा बना के रखें तो आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है। तो चाट मसाले की सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे, क्योंकि अगर ज़्यादा फुल फ्लेम पे करेंगे तो ये जलने का डर है। इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही ड्राई रोस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी 1/2 पाव है। इसकी खुशबू आएगी तो फिर हम इसको अपनी मिक्सी में डालेंगे। तो साथ साथ देखते रहेंगे इसका मॉइस्चर ख़त्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसका मॉइस्चर ख़त्म होगा तो ये देर तक चलेगा। अगर इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा तो फिर ये जो है इसमें जल्दी से वो कीड़ा भी लग जाता है और ये सिल भी जाता है, तो मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए चीज़ों में। अच्छा, ये मेरे पास है, इसके 2 टुकड़े हैं सौंठ के, ज़्यादा नहीं लेनी, एक ये और एक ये। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम साथ ही कर लेंगे ड्राई रोस्ट। मैं उतार लूँगी, ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसको मैं अलग कर लूँगी। तकरीबन इसकी मैं 2 बाउल लूँगी, ये देखें इतना मेरे पास बाउल है। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून कहलाएंगी, बस 4 टेबलस्पून है। अब मैं इसको साइड पे करूंगी। अब हम इन सब चीज़ों को जो मैंने ड्राई रोस्ट किए हैं इसमें डाल लेंगे मिक्सी में। तो पहले मैं मोटा मोटा कूट लूँगी, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ये देखिए मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ग्राइंड करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें लिया है 1 प्याली जो है वो ड्राई रोस्ट प्याज है, जो फ्राई किया हुआ मिलता है बाज़ार से, ये वो भी डालेंगे 1 प्याली आधी प्याली। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून लहसुन पाउडर, क्योंकि लहसुन घर में सुखाएंगे तो टाइम लगेगा, तो आप बना बनाया भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
अब आप इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून, मैंने लिया है खटाई पाउडर जिसको आमचूर पाउडर कहते हैं, ये लिया मैंने 2 टेबलस्पून, ठीक है। और अब इसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तैयार है हमारा चाट मसाला। ये जिसका ज़्यादा कलर आया है ना, ये सिर्फ ज़्यादा प्याज की वजह से आता है, लाल प्याज की वजह से, जिसको हम लोग ड्राई रोस्ट प्याज भी कहते हैं। बाज़ार से भी कब मिल सकता है, अगर आप घर पे करना चाहें तो घर पे भी करके इसको थोड़ी देर धूप में रख सकते हैं, तो ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा और ये लॉन्ग लाइफ चलेगा। ये देखिए हमारा चाट मसाला तैयार है। घर पे आप इसको चाहें तो कितने कितना ज़्यादा बन गया माशाल्लाह से, बाज़ार से हम लेने जाएँ तो ये कितने का मिलेगा हमें। देखिए हमारा चाट मसाला तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।